दो लफ्ज प्यार के, हर जंग खत्म हो सकती है। मैंने कहीं पे पढ़ा कि मोहब्बत फातह आलम है, मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है। सिकंदर सारी दुनिया नहीं जीत सका जंग से, मोहब्बत से आप सारी दुनिया जीत सकते हो, सिर्फ मोहब्बत से। आप बड़े बड़े लोगों को नाम लो, मोहब्बत से जीती है सब। जो बड़े बड़े लोग हैं जो आज तक याद रखे जाते हैं, मोहब्बत जो सी है वो फातह आलम। मोहब्बत से आप दिल जीतो, मोहब्बत से लोग, जो जिस शख्स को आपने मोहब्बत से जीता होगा ना, वो कभी भी आपसे नहीं हटेगा। वही यारी दोस्ती वाली बात आ गई, यारी दोस्ती में मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत ही जुनसी आपको दूर तक चलाती है। आप किस, अब जिससे मोहब्बत करते हैं उसका बुरा नहीं चाहेंगे आप कभी, जब किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो आप तो शहजादे हो जाएंगे उसके लिए। अच्छा, जब आपको कामयाब देखते हैं, आपके उस्ताद टीवी पे देखते हैं, जब आप उनको मिलने जाते हैं तो क्या उनके तासुरात होते हैं? बहुत खुश होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे उनकी आंखों में वो जो फख्र मेरे लिए करते हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे याद है मैं कोई अच्छा, कोई बड़ा ब्रिलियंट ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं एवरेज किस्म का स्टूडेंट था, एवरेज किस्म का इंसान था। भाई मैं एवरेज ही हूँ, तो एवरेज किस्म के बंदे को जब वो कहते ना आम जे मुंडे ही खास होते हैं, तो आम जे मुंडे जो खास होते हैं तो फिर वो छा जाते हैं। परमेश वर्मा का सॉन्ग है होली होली हासिल मुकाम होता है। तो आम जे मुंडा जो खास होता है तो फिर वो इंज ही होता है, कहता ठोकरा बदामा नालों तेज होती है। ठोकरे वाकई बदामों से तेज होती है, बड़ी ठोकरे खाई है, बड़े ठोकरे खाई है, सेवेंटियों पे फिरे हैं, साइकिलों पे फिरे हैं, बसों पे गए हैं, सारा कुछ किया। आज रब ने गाड़ी दे दी है तो मैं भूल जाऊं कि पीछे क्या था, सारा कुछ बर्दाश्त किया, फिर बनाया है, मेहनत की है, मेरे माओ की दुआएं हैं ये। अक्सर लोग नहीं बताते कि हम वैगनों पे और रक्षा में, वैगनों रक्षा में अंदरून शहर का रहने वालों, उथे तो गड्डी कितने खड़ी होती थी कार, वैसा कुछ नहीं था। बड़े बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बड़े माड़े थे, तो इसीलिए माड़ों को पसंद करते हैं, माड़ों में ही रहते हैं। माड़ों के अंदर मैं भी माड़ा, मेरी कुल्ली भी माड़ी है, तो हम माड़ों में रहना पसंद करते हैं। मुझे माड़ों के साथ मोहब्बत है और मैं उन्हीं में से हूं, तो मैं उन्हीं को पसंद करता हूं और वो मुझे पसंद करते हैं। तो अगर मेरी आवाज में अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये आवाज माड़े के लिए उठे, तो माड़े के साथ खड़ी हो। पहली सैलरी कितनी थी? अब तो कोई भी पूछेगा कि हूं कितनी है। तो सक्सेस स्टोरी, टैक्स पेयर फाइलर हूं मैं, अपना टैक्स प्रॉपर्ली पे करता हूँ, जितनी सैलरी आती है अच्छी सैलरी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली सैलरी जो थी वो 3500 रुपया था। 3500 रुपया। अब इसके आगे 4 0 लगा था, कितना बनता है? नहीं नहीं अन्ना, नहीं 4 नहीं, कम 0 3 लगा दे, कितना बनेगा यार? 3.5 लाख। तो बहुत थोड़ा है। ये तो बहुत थोड़ा, 3.5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी थोड़ा, 4 से कर दो, हाँ शायद, पता नहीं। ये तो सवाल मैंने पता क्यों पूछा? क्यों पूछा? मैंने आपसे उधार मांगा। ले ले यार, जो हमारा है वो तुम्हारा, वो हमारे यार दोस्तों, तो यार दोस्तों के लिए हम हाजिर है। पहली सैलरी 3500। हाँ, और रुपया दूसरी बड़ी बात, रुपया। आजकल मैं देखता हूँ रुपये के लिए ना और फेम के लिए दुनिया पागल हो गई भाई। वो कहते हैं कि जी दो रुपया जड़ा है ना वो सारा कुछ है, रुपया जिसके पास है वो, मैं पहले बात कर रहा था, वो गाड़ी लेके निकलते हैं, नई गाड़ी आती है, उसके रिव्यूज भी हो रहे होते हैं, वो बंदे से भी बातें हो रही होती हैं, वो बंदा नहीं, बंदा क्या बन जाता, सिर्फ गड्डी वड्डी लाए। रुपये से तो आप फेम भी आजकल ले सकते हो भाई, रुपये में तुम कमाल कर सकते हो। कई तो आपके दोस्त ही है वो जाके इंटरव्यू सिर्फ ये करते थे कि इतना पैसा, आपका लेविश लाइफस्टाइल है, आपका ये आपका वो। तो रुपये से इंसान नहीं बनता, रुपये से किरदार नहीं बनता, मेरा ये मानना है। किरदार जो इंसान होता है ना वो मुंह से बोलता है, किरदार जो इंसान का होता है ना वो बैठा हुआ बंदा सादी शलवार कमीज सादे कपड़ों में भी उन करोड़पति अरबपतियों पे भारी होता है, उसका किरदार होता है, या आज भी है। लेकिन असल में प्रॉब्लम है हमारे यहाँ किरदार वाले लोग खत्म हो गए हैं, इसलिए हमें वो रुपये वालों के किरदार बहुत बड़े लगते हैं, या बहुत बड़े कद लगते हैं उनके, रुपये वालों। मेरी नजर में, मैं जब छोटा था तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक बात सिखाई और मैं आज तक उस बात पे पूरी तरह अमल करता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि पुत्र किसी की इज्जत रुपये की वजह तो ना करे, उम्र के नारों की इज्जत करे। अगर वो झाड़ू फेर रहे हैं ना तो तेरे प्यो की उम्र है तो उन्होंने चाचा ही कही, ठीक है, वो छोटा है तो उन्होंने पुत्र ही कही, इस तरह इज्जत करी। मैं यार यकीन करें तो क्या अपने मुंह से बात करना, लोग जानते हैं मुझे, तो मैं
मैं मोहब्बत करता हूँ सारों से, लेकिन मैं कभी किसी से पैसे की वजह से मोहब्बत नहीं करता। अगर मुझे जरा सा भी लगे ना कि इसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत इसलिए है कि इसका पैसा या रुतबा बड़ा, मैं उससे पीछे हट जाता हूँ। मेरे दोस्त अमीर लोग नहीं है, मेरे दोस्त मेरे दोस्त है।